सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। जैसे अभी तक आपने क्या क्या बनाया है बेस मटेरियल? बेस्ट ये पेन है जिसको कि सामान्य तौर पे लिखो फेंको बोलते हैं, लिख के फेंक देना मतलब यूज नहीं होता क्योंकि रिफिलिंग नहीं है। इससे क्या बनाइएगा बताइए? प्लीज कम बैठिए। श्वेता, ट्रेड यूनियन जो है उसका क्या आज इम्पोर्टेंस है, क्या रिलेवेंट है आज? यस सर, है सर। ट्रेड यूनियन का गठन इसलिए होता है कि श्रमिक की जो समस्या है उस पर प्रकाश डाला जाए, उसकी समस्याओं को दूर किया जाए, उसको शोषण से बचाया जाए और वो अभी कार्य करता है इस पर। श्रम संघ जो समस्या है वो उभर के ऊपर आ रही है, उस पर काम भी किया जा रहा है। विभिन्न चाइल्ड लेबर को यस सर आप देख रहे होंगे ना, बस स्टैंड ढाबे पर या फिर मैकेनिक के यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं। यस सर, तो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए क्या तरीका हो सकता है ये आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं माता पिता वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं क्योंकि गरीब हैं। यस, तो बच्चों को भी उन्होंने लगा रखा है ताकि वो भी कुछ पैसा कमा के लाए। यस, कैसे आप इसको दूर करिएगा? अगर बच्चे को हटा देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, घर में पैसे का जो अर्निंग है कम हो जाएगा। सर सबसे पहला तो इसके लिए कानून है, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986, उसके तहत कुछ प्रावधान है। ये कानून के तरफ बाल श्रम कराना गैर कानूनी है। दूसरा कि ये जैसे आपने पूछा है कैसे कम करेंगे, सर अगर वो बच्चा 14 वर्ष से कम का है जो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले उसको वहाँ से पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए हर जगह स्तर पर काम हो रहा है। बिहार में उसके लिए पुनर्वास के लिए योजना भी है। जैसे अगर कोई बच्चा को अगर पुनर्वास किया जाता है तो उसके नाम से सरकार तत्क्षण 5,000 रुपया देती है। उसके अलावा उसके नाम पे 25,000 रुपया फिक्स किया जाता है जो उसके 18 वर्ष होने के बाद उसको दिया जाता है। अब बात रही उनका घर का वो मतलब खर्च कम हो जाएगा इसके लिए, तो उनकी उसके माँ बाप को समाज के बहुत जो नियम चल रहे हैं उस सब के तहत उनको जोड़ा जाएगा और उनको वो सुविधा दी जाएगी, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल जो है कि पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब सरकार थी जो चली गई, नई सरकार आई है, तो घटनाक्रम के बारे में जानकारी है क्या? ये सर अविश्वास प्रस्ताव के तहत उनकी सरकार, किस गवर्नमेंट की सरकार थी, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का क्या नाम था, कुछ पता है? सर अभी बने शहनवाज शरीफ थे। कौन पहले? सर इमरान खान की सरकार गिरी। क्या हुआ था? सर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जो वो पास हो गया उनके पार्लियामेंट में, फिर उनकी सरकार गिरी। कुछ स्टेप पता नहीं है आपको कि अविश्वास प्रस्ताव आया, उन्होंने उसके बाद क्या किया? सर ये मतलब मैंने सरकार गिराने के लिए ही राष्ट्रपति को अपना सलाह दे दिया, विधानसभा में जो लोकसभा है उसको भंग करने की ही सिफारिश कर दी उन्होंने, पार्लियामेंट को भंग करने की सिफारिश कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस पार्लियामेंट को बहाल किया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आया। मतलब कुछ घटना वगैरह आपको वो डिटेल में नहीं पता है? आप इंडिया में हमारे यहाँ क्या प्रोविज़न है, इंडिया में ऐसा हो सकता है कि जो अभी प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को? यस सर, कर सकते हैं। गैर कानूनी नहीं लगता है कि एक जो सरकार है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है चुनाव का, बहुत मुश्किल से इतना करोड़ों सर उसके लिए हमारे संविधान में है कि उसके लिए बहुमत पारित करना पड़ता है, तो अगर वो पारित होता हो जाता है तो फिर नहीं हो सकता। बिहार सरकार की वो कौन सी योजना है, योजना नहीं वो कौन सा स्टेप है जो वीमन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है? सर मैं जहाँ तक देखती हूँ ये पंचायती राज अधिनियम के तहत जो 50% प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए वो, और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है 35%, ये दोनों मिल का पत्थर साबित हुई। अच्छा, आपके हिसाब से यह है ना? यस। उसके अलावा भी सर मैम, मेरी हॉबी
क्रिएटिव क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल है। जैसे अभी तक आपने क्या क्या बनाया है वेस्ट मटेरियल? वेस्ट मटेरियल से मैंने मैं मोर बैलून का यूज करके जो बैलून होता है उसका, और उसके अलावा क्राफ्ट के सामान जो मतलब कि फ्रेम वगैरह ये सब हम बनाते हैं। तो जैसे वेस्ट मटेरियल क्या यूज़ हुआ क्राफ्ट में? जैसे पुरानी चूड़ी है, पुराने बोतल हैं, वो जैसे पीओ फेको वाला कप होता है वो अगर पुराने हो गए हैं तो उसका यूज करके हम उनका यूज करके बनाते हैं। देखिए ये पेन है जिसको कि सामान्य तौर पे लिखो फेको बोलते हैं, लिख के फेंक देना, मतलब यूज नहीं होता क्योंकि रिफिलिंग नहीं है इसमें। इससे क्या बनाइएगा बताइए? ये दो पेन है, दो नहीं मैं 10 पेन दे दूंगा जो ख़त्म हो जाएगा, उससे क्या बनाएंगे? इसके साथ हम और मटेरियल का यूज करके इसको लाइन बाय लाइन एक धागे से, अगर वो धागा रेशम वाला हो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, इसको कलर करके, एक कलर करके बीच बीच में, अगर इसको डायरेक्ट नीचे कूट रख के इसको चिपका के क्रम बाई उसके बीच में कुछ कुछ फोटो वगैरह लगा के ऐसे बना सकते हैं। क्या बनाएंगे उससे, क्या बनेगा? फ्रेम बना सकते हैं सर। इसे फ्रेम बना सकते हैं? हाँ। फ्रेम को जो है घर में हैंग कर सकते हैं। हैंग कर सकते हैं। अच्छा, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे जो है आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। फ्रेम पे ज्यादा फोकस है। आप किसी पॉपुलर को जानते हैं जो ये वेस्ट मटेरियल से कर रहा हो, इनको ऐसा इंडियन किसी का नाम जानते हैं? मैम एक नेक चंद का नाम है जिसके ये रॉक गार्डन बना है चंडीगढ़ में, वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बना है। अभी हाल ही में दिल्ली में भी देखा गया, दिल्ली दर्शन पार्क बना है, वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बना है। गार्डन गई हैं आप? नो सर। पटना में कहीं पे है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ वेस्ट जो है? सर अभी कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन शायद इको पार्क में कुछ ऐसा वहाँ एक्टिविटी हो रहा है। वुड क्राफ्ट का नाम सुना है आपने? वुड क्राफ्ट, यस मैम। बिहार में कहाँ है वुड क्राफ्ट? ये बेतिया में है जहाँ बांस से बनाए जाते हैं बहुत सारे सामान सब, पश्चिम चंपारण बेतिया में। अच्छा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस राज कर सहायक आयुक्त, और सेकेंड है यूएसपी। क्यों नहीं? क्या सर मेरी हाइट उतनी नहीं है। बिहार का कुछ समस्या बताइए, पांच समस्या इम्पोर्टेंट सर बिहार की। यस सर, पहली तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार, चौथा पूरे भारत में सब समस्या है। बिहार का ना, बिहार में क्या प्रॉब्लम है सर? बिहार एक, यस सर, ओके सर, बिहार में एक और भी देखा जाता है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है, तो हमारा कोस्टल रीजन से उतना व्यापार है नहीं, कोस्टल रीजन जो व्यापार हो विदेशों से, तो इसलिए एक पीछा है। उसके बाद देखें यहाँ आप ज्योग्राफिकल रीजन से, तो उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या आती है, और दक्षिण बिहार सूखा का समस्या झेल रहा है, ये प्रधान दो समस्या है। आपका घर सीतामढ़ी है? यस सर। सीतामढ़ी का ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस क्या है, उसको हिंदी में बोलेंगे कि भौगोलिक सीमा क्या है उसकी? भौगोलिक सीमा मतलब सीमा, बाउंड्री नहीं चौहद्दी। हाँ, उसकी मतलब डिसएडवांटेज क्या है भौगोलिक जो है वो, ऐसी सिचुएशन कौन सी ऐसी भौगोलिक सिचुएशन है जिसके चलते जो है उसको एडवांटेज नहीं मिलता है सीतामढ़ी? सर वहाँ एक जो नेपाल से कोसी नदी जो आती है वह बाढ़ का कारण बनती है। सीतामढ़ी में कोसी आती है? सर नेपाल के सर्लाही जिला से आती है वो, कोसी के रूप में नहीं आती सर, वहाँ सीतामढ़ी में आके लखनदेई नाम पड़ जाता है उसका, उसके बाद लखनदेई बागमती नदी है, ये एक बाढ़ की समस्या मिलनी देखी जा रही है सर वहाँ पे। कोसी नदी है या नहीं सीतामढ़ी में? नो सर, उसका नामकरण सीतामढ़ी आते आते शायद लखनदेई हो गया, वहाँ से निकलती है ठीक है, लेकिन कोसी का लखनदेई नाम होना उसी तो एग्जैक्टली नहीं है सीतामढ़ी, कोसी नहीं है सर, लेकिन नाम भी नहीं होता है, ललवगिया होता है, वहाँ से आती है लखनदेई नदी। गंडक है? थैंक यू। गंडक भी नहीं है, वो बागमती है, ठीक है, मैंने गलत बोला, बागमती है। अगर सीतामढ़ी को मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर दिया जाए, और मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे भगवान है मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी में रखती है, सीतामढ़ी को मुजफ्फरपुर में रख दिए, तो सीतामढ़ी का क्या होगा? मतलब सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की जगह पे आ जाएगी तो क्या होगा, उसमें क्या चेंजिंग आपको दिखेगा, ये बताइए सर। बाहर की समस्या तो मुजफ्फरपुर में भी है, बाढ़ की थोड़ी समस्या कटरा साइड। क्वेश्चन है, कल्पना करके बताइए, इमेजिन करके बताइए।
क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये तो बता दीजिए, दो पॉइंट क्या अच्छा हो जाएगा, दो पॉइंट क्या बुरा हो जाएगा। नामांकन उसका वही रहेगा सीतामढ़ी। हाँ, उससे कुछ चेंज नहीं आएगा, नामकरण वही रहेगा। सर वो नेपाल के बॉर्डर को पहले टच नहीं करेगा, फायदा क्या होगा? फायदा क्या, थोड़ी बाढ़ पे कंट्रोल कर सकते। बात वही है जो मैंने लिमिटेशन पूछ रहा था ज्योग्राफिकल, उसी के इर्द गिर्द का ऐसा मैं हिंट्स कर रहा हूँ आपको। चलिए घबराइए नहीं, आपका इंटरव्यू में ओवर करता हूँ, ठीक है ना श्वेता? स्माइलिंग आपका थोड़ा देर से आया लेकिन अच्छा है, स्माइलिंग फेस आ गई, एंट्री अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आई कॉन्टेक्ट अच्छा है, बॉडी पोस्चर अच्छा है। यूनिफॉर्म को आपको मैंने कहा था कि आपको सिलाने के लिए दिया अभी ईद के वजह से, फॉर्म जो है आपको ड्रेस इसको भी इस पर थोड़ा काम कर लेना है। ये आपका हॉबी था, हॉबी का आंसर ठीक है, आपने कुछ कुछ तैयारी कर लिया है हॉबीज में, हॉबी का ठीक है। पटना में बिहार म्यूजियम में भी बड़ा सा बना हुआ है बेसमेंट एरिया, जब बिहार म्यूजियम घूमेंगे ना एक बड़ा सा बना हुआ है, और ये सही बात है कि इको पार्क में ही बना हुआ है, ये दोनों जगह पे जो है बेसमेंट एरिया से बनाया गया है। घूम लिया कीजिए, जो जाके विजिट कर लीजिएगा ताकि बता पाएँ, क्योंकि पूछा जाएगा, नहीं पूछेगा तो भी बोल देना है यहाँ यहाँ सब बना हुआ है, ठीक है। ये पूछने के जवाब जब हॉबी पे बात आएगी तो उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। सर ये सवाल पूरा ध्यान से नहीं सुन पाती हैं, तुरंत आंसर करने लग जाते हैं, सवाल को कंप्लीट होने दीजिए। दो बार ऐसा हुआ कि आप मेरा सवाल पूरा खत्म ही नहीं हुआ तब तक आंसर आपने पहले से आपने अनुमान लगा के रखा है कि यही आंसर देना है, ये काम नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। एक्चुअल में आपका नॉलेज है या नहीं है उसे कोई मतलब ही नहीं है, आपको मतलब इससे है कि आपको पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, मतलब आप चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। पाँच पाँच सात सेकेंड का पॉज होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे रुक के फिर बोले। और ज्योग्राफी वाले में सीतामढ़ी का जो है वो यही कि नेपाल से सुटेरा हुआ है, और ये उनका लिमिटेशंस नहीं है, बल्कि सीतामढ़ी जो है जाके लैंड लॉक हो जा रहा है नेपाल के पास, उसका डेवलपमेंट रुक जा रहा है, क्योंकि आप एनएच देखेंगे तो वो चला जा रहा है सुरसन तक, सुरसन में जाकर बंद हो जा रहा है। अगर हम सीतामढ़ी को मुजफ्फरपुर में करेंगे तो सीधा का सीधा डेवलपमेंट जो है पूरा सीधे चेंज हो जाएगा। उत्तर बिहार का सेंटर है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी अगर मुजफ्फरपुर में आएगा तो सीतामढ़ी ऑटोमेटिक जो है वो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेडिंग, व्यापार, दुकान, ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगी। जैसे मुजफ्फरपुर डेवलप है वैसे वो भी डेवलप हो जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपको जो है सपना चेंज हो जाएगा, और उसी तरीके से मुजफ्फरपुर जो है वो सीतामढ़ी की तरह जो है वो वहाँ व्यापार वगैरह ख़त्म होने लगेगा, व्यापारी वहाँ कम हो जाएंगे, और फिर जो डेवलपमेंट दिख रहा है मुजफ्फरपुर का वो सीतामढ़ी के तौर पर एक विलेज टाइप का टाउन होकर रह जाएगा, यही बताना था इसमें तो इमेजिन करना था। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, श्वेता तैयारी करिए, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, थोड़ा स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए, वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपके फेस पे, वो नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरा है आंसर देने के बाद भी सोचते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये बड़ा निगेटिव चीज़ है, आपको जो देना है आंसर दे देना है, इसमें आप ये कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन पे भी इसका इफेक्ट सीधे दिख रहा है कि पीछे वाला में कन्फ्यूजन तो था, ये अगला क्वेश्चन किए तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनु ठीक पकड़िए बात, ऑल द बेस्ट, ठीक है श्वेता, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।